हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल तो बहुत आपको मालूम है कि हमारा जो चैनल है मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो हमारा चैनल एक कंपेरिजन में जो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं उनकी तुलना में बहुत कम है, यानी छोटा यूट्यूब चैनल है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल छोटा ही है, मैं अपना कट ऑफ अलग से बनाता हूं तो कोई तो विश्वास नहीं करेगा, और मैं कट ऑफ अलग से बना भी नहीं सकता हूं क्योंकि हमारे जो चैनल पे मैं पोलिंग करता हूं उस पर बहुत कम वोट आते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी फ़िलहाल कम है और मेरा छोटा चैनल भी है, आपको मालूम है अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एग्जामपुर हो गया, एम डी क्लासेज, उत्कर्ष, उमंग स्टडी, सक्सेस केंद्र, वे टू सक्सेस, नवीन कुमार सर है जो कि पटना प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े हैं, उनका उन्होंने क्या कहा, एस के झा सर हैं, इसके अलावा 25 से 30 मैंने और चैनल के जो जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और जो पोलिंग उनकी 50,000 से भी ज़्यादा पोलिंग हुई थी, उन्होंने पूछा था कि किन स्टूडेंट का कितना जो रॉ मार्क्स आया है एनटीपीसी में, वो उन्होंने अपने चैनल्स पे पूछा है, तो उस पर 50,000, 30,000, 20,000 ऐसे पोलिंग हुए थे, तो मैंने वहाँ से भी जानकारियाँ कुछ इकट्ठा किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से ही वीडियो में इस छोटे से चैनल पे ही जो यूट्यूब का सबसे बड़ा सर्वे है जो कि आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ से संबंधित है उस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो सभी चैनल्स को जोड़ के मैंने एक कट ऑफ बनाया है जो कि एवरेज है, और अपने वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा किन किन चैनल ने कौन कौन सा कट ऑफ बताया है, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ लाया हूं कि किस किस चैनल ने क्या क्या कट ऑफ बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भाई का सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मैंने उसी चैनल को यहाँ पे लिया है जो कि सबसे ज़्यादा रेलवे से जुड़े हुए हैं और रेलवे से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो बताते रहते हैं, और रेलवे के जो स्टूडेंट हैं उस चैनल से जुड़े हुए होते हैं, मैंने उन्हीं सब चैनल को लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे जैसे कि और सभी चैनल्स पे बात की जा रही है कि 2016 में कितनी वैकेंसी आई है, इस साल कितनी वैकेंसी आया, तो कम आया, ज़्यादा आया, तो इस बार कट ऑफ कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, हम इस बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि इस बारे में बहुत सारे चैनल पर भर भर की बातें बताई जा रही हैं जो कि हम पक चुके हैं सुनते सुनते। तो फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि 2016 में कितनी फॉर्म आए थे, इस बार कितना फॉर्म आया था और कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब बातें हम आपको नहीं बताएंगे। मेन जो मुद्दा है कि हम किन किन चैनल ने कितना कितना कट ऑफ बताया है और उन सब का एवरेज जो है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जोन की, तो जोन बस मैं यही बात करूंगा कि नॉर्मल में जोन में यानी कि कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम जाते हैं, और जो थोड़ा सा हाइएस्ट जोन है जिसको मैंने डेंजर जोन में रखा है, यह भी मैंने सक्सेस केंद्र करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वहीं से यह स्क्रीन शॉट लिया है जिसमें कि यहाँ पे जो हाईएस्ट जोन है वाकई में ये हाईएस्ट जोन है जहाँ की कट ऑफ थोड़े से हाई जाते हैं। तो कौन कौन से हैं फटाफट हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो कि थोड़ा सा हाईएस्ट कट ऑफ में जा सकता है, और आगे अगर हम बात करें इलाहाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, सिकंदराबाद, अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम, तो ये आपको अपना कौन सा जोन है थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम लास्ट में कट ऑफ के बारे में इस बार बात करने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें सेफ जोन यानी कि जो नॉर्मल जोन है जिसमें कि लगभग जो हाईएस्ट जोन से 2-3 नंबर कट ऑफ, कभी कभी 4-5 नंबर कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है, तो उसमें ये जो आते हैं जोन जो कि बेंगलुरु है, गुवाहाटी है, मालदा है, पटना है, सिलीगुड़ी है, बिलासपुर, जम्मू है, मुजफ्फरपुर है और रांची है, ये सभी जोन जो कि नॉर्मल जोन में आते हैं जाके कट ऑफ नॉर्मली जाता है, मतलब हाईएस्ट जोन में ये नहीं आते हैं, जो कि हाईएस्ट यानी मैंने जो डेंजर जोन आपको बताया वहाँ से जो इसके कंपेरिजन में जो कट ऑफ जाएगा थोड़ा कम जाएगा, यानी 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है। ओके, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो चैनल है एग्जामपुर, आप बोलोगे कि सबसे बड़ा चैनल तो वाईफाई स्टडी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी तक वाईफाई स्टडी पे कट ऑफ के बारे में जो लेटेस्ट वीडियो है अपलोड नहीं किया गया है जब से आंसर की आया है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि आप बोलोगे कि 10 बड़े यूट्यूब चैनल का मैंने बताया था वाईफाई स्टडी भी, तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ अलग अलग क्लासेज में हो सकता है कि टीचर्स ने कुछ अपने मुँह जबानी बताया होगा, लेकिन ऑफिशियल वीडियो अभी तक वाईफाई स्टडी पर आंसर की आने के बाद कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहाँ तक मैंने जाके चैनल देखा है। अभी देखिए ये हाल ही में यानी कि आज का ही ये वीडियो है, ये स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने एग्जामपुर से लिया है, तो ये एग्जामपुर का भी आज लगभग आया है ये कट ऑफ जो कि 1 लाख से भी ज्यादा ये इस चैनल पे सर्वे किया गया है। फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट को अगर काउंट करी सभी चैनल्स को तो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे जो यहाँ पे पोल किए हैं सभी चैनल्स को मैं मिला के अगर बताऊं तो बहुत बड़ा ये सर्वे है।
तो वाईफाई को तो मैंने निकाल दिया। क्या मैं बता रहा था कि वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी जो कट ऑफ पहले बताया गया था लगभग पांचवा जो फेज चल रहा था उससे पहले ही कट ऑफ बताया गया था। तो जैसा कि आपको मालूम है आंसर की आने के बाद सब कुछ बदल गया है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो लेटेस्ट वीडियो अभी वाईफाई स्टडी चैनल पर शायद नहीं आया है जहाँ तक मैंने देखा है। तो मैंने जो सबसे बड़ा चैनल अभी एग्जामपुर उत्कर्ष एमडी क्लास है ऐसे मैं अभी स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जामपुर का स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे अभिनंदन सर खड़े हुए जो कि मैथ पढ़ाते हैं, उत्कर्ष सॉरी यहाँ पे पुलकित सर खड़े हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं आपको मालूम है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि इन्होंने क्या कट ऑफ बताया है यानी कि एग्जामपुर चैनल ने क्या कट ऑफ बताया है, तो सबसे पहले आपको मालूम है यहाँ पे रॉ मार्क्स के बारे में ही बताया जा रहा है कि आगे जो नॉर्मलाइज नंबर आएंगे यानी कि कुछ नंबर बढ़ भी जाएंगे ये आपको ध्यान देना है। 2, 4, 5, 8, 10, 20 नंबर बढ़ भी जाते हैं नॉर्मलाइज के बाद, तो यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात हो रही है। जितना आपका कट के नेगेटिव मार्क कट के जो नंबर आपको मिला है उस नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्होंने बताया है एग्जामपुर चैनल ने जो कि अभिनंदन सर और पुलकित सर ने अभी हाल ही में ये वीडियो अपलोड करा है, तो इन्होंने बताया है कि 1,20,000 लगभग स्टूडेंट यहाँ पे पोलिंग करे थे इनके यूट्यूब चैनल पे एग्जामपुर पे। तो इन्होंने अपना जो कट ऑफ बताया है कि जनरल के बारे में यहाँ पे अनरिजर्व यहाँ पे लिखा था उन्होंने, तो अनरिजर्व के बारे में उन्होंने बताया था कि 50 से 60 कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने बताया है कि 45 से 55 जा सकता है, और एससी कैटेगरी के लिए 42 से 50 इन्होंने बताया है, और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 42 से 48 इन्होंने कट ऑफ बताया है। अब अगर हम बात करें इन्होंने आगे भी क्या कहा, पुलकित सर ने यह कहा कि इसमें प्लस माइनस 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का ख्याल करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग चैनल का बताऊंगा तो हो सकता है किसी का ना बताऊं, लेकिन आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आप जो यहाँ पे रॉ मार्क्स का कट ऑफ बताया जा रहा है वो सभी चैनल से आप अपना जो कि मैच करते चलिएगा, जो कि आपको आसानी होगा आपका कट ऑफ जानकारी जानने में। तो यहाँ पे जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं एक अपना ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अब अगला चैनल आने वाला है, अगला चैनल जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अनरिजर्व के लिए एग्जामपुर ने 50 से 60, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45 से 55, और एससी के लिए 42 से 50, और एसटी के लिए 42 से 48 इन्होंने बताया है। रॉ मार्क्स है ये, ओके। अब अगर हम बात करते हैं उत्कर्ष चैनल की, तो देखिए उत्कर्ष चैनल पे भी कोई ऑफिशियल वीडियो कट ऑफ के लिए नहीं आया है, लेकिन जो हमारे गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस के बहुत ही जाने माने टीचर्स हैं और ये करंट अफेयर स्ट्रेटजी को सुबह पढ़ाते हैं 6 बजे, तो इन्होंने अपने मुँह ज़बानी अपने क्लास में ही बताया था। डायरेक्टली इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने जो पोल किया था लगभग 1,00,000 से भी ज़्यादा, इस पर भी 1,25,000 ऐसे कुछ, उस समय जब मैं ये पोलिंग स्क्रीनशॉट लिया हूँ उस समय भी पोलिंग किया था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। तो यहाँ पे लगभग 1,00,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे पोलिंग करा था, तो 55% स्टूडेंट ने बताया अपना रॉ मार्क्स 50 से 55 के बीच में उनका आ रहा है। 15% स्टूडेंट ने बताया कि 65 प्लस उनका नंबर आ रहा है, ये बताया उत्कर्ष के कुमार गौरव सर ने। तो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 60 नंबर से प्लस वाले रॉ मार्क्स हैं उनका तो कोई फिक्र ही नहीं है, उनका तो कन्फर्म है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो 50 प्लस है या 50 प्लस भी जो हैं उनकी भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं, वो अपना तैयारी जारी रखिए। ये कुमार गौरव सर ने भी ये भी बात बताया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने बताया है कि 55 प्लस और 50 प्लस भी स्टूडेंट अपना पूरी संभावनाएं रखिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आगे होगा तो कुछ नंबर और बढ़ेंगे और आपका पूरी पूरी संभावना है कि NTPC CVT 1 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इन्होंने साफ कहा कि 60 नंबर वाले तो बेफिक्र रहें, उनका तो कन्फर्म है कि आपका NTPC CVT 1 क्वालिफाई हो चुका है, तो ये बातें आपको ध्यान देनी। अब अगर हम बात करते हैं एमडी क्लासेस की, इनका भी मिलियन में सब्सक्राइबर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया एग्जामपुर के भी 5 मिलियन सब्सक्राइबर 6 मिलियन होने वाले हैं, उत्कर्ष के भी लगभग 7 मिलियन होने वाले हैं, एमडी क्लासेस के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो यहां पे इन्होंने बताया है, इनका जो मैं बता दूं कि इन्होंने जो पोल करा था 50,000 प्लस स्टूडेंट ने यहाँ पे पोल करा है, इनका जो पूछे थे कि कितना कितना आपका नंबर है उस हिसाब से इन्होंने पोलिंग करा है। तो पूरा मैंने बायोडाटा नहीं लिया है, डायरेक्टली ये सेफ स्कोर इन्होंने सर ने बताया है, एमडी क्लासेस के जो ऑनर हैं इन्होंने डायरेक्टली फाइनली सेफ स्कोर बिना किसी कैटेगरी का इन्होंने बताया है, एक एवरेज बताया है कि यहाँ पे जो फाइनली स्कोर है 53 यानी 53 से लेके 55 तक रॉ स्कोर जिसका आ रहा है वो अपना NTPC CVT 2 के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे, आंसर यानी कि रिजल्ट आने का इंतज़ार न करे। डायरेक्टली इन्होंने एमडी क्लासेस के द्वारा ये बताया गया है कि 53 से 55 नंबर जिनका भी NTPC CVT 1 में रॉ मार्क्स आ रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आपको मालूम है सब यही बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आगे नंबर बढ़ेगा, जो कि सही भी है, तो ये मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, ये रॉ मार्क्स की बात हो रही है तो रॉ मार्क्स पे ही रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी के कुछ कम भी नंबर एक आध दो नंबर हो जाते हैं और बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं।
तो यहाँ पर रॉ मार्क्स उन्होंने बताया कि 53 से 55 तक ऑन एन एवरेज सभी कैटेगरी का सेफ जोन है। अब अगर हम आगे बात करते हैं अगले चैनल की, तो आपको मालूम है ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये स्क्रीनशॉट है एवरीडे न्यू, एक चैनल है बहुत ही जो कि रेलवे से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सबसे सटीक जो रेलवे का और पल पल की जानकारी ये देते हैं रेलवे से संबंधित, एवरीडे न्यू करके चैनल है, एक स्टूडेंट ही है समझ लीजिए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है और बहुत साल से ये अपना चैनल यूट्यूब पर हैं, रेलवे की सबसे तेज़ जानकारी हमारे पास ये पहुंचाते हैं। तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, एवरीडे न्यू करके चैनल है इनका। तो इन्होंने अपना कट ऑफ जो बताया है, इनका जो पोलिंग हुआ था 2 लाख यानी अब तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 2.5 लाख से ज़्यादा इन्होंने स्टूडेंट ने यहाँ पर पोलिंग कराया है और इन्होंने कैटेगरी वाइज अपना जो कट ऑफ निकल के आया लगभग 3 से 4 दिन के बाद आंसर की तीन दिन के बाद लगभग जो आंसर किया आया था उसके 3 दिन बाद यहाँ पर उन्होंने अपना कट ऑफ जारी किया है। तो मैं पूरे जोन का तो मैंने नहीं लिया है, लेकिन 2-4 जो जोन है जो इम्पोर्टेंट जोन है, जहाँ की इनकी जो जोन होती है जो कि हाईएस्ट जोन मैंने ले लिया है, अब इस जोन से जो कट ऑफ नीचे बनेगा वही कट ऑफ बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट जोन लिया है, जैसा कि इलाहाबाद जोन लिया है मैंने, यहाँ पे उन्हीं का चैनल है जो एवरीडे न्यू का उन्होंने बताया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 से 58, ओबीसी के लिए 53 से 55 बताया है, एससी के लिए 48 से 50, एसटी के लिए 45 से 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 से 52 उन्होंने बताया है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल उन्होंने बताया है, ये आपको ध्यान देना है। तो आप अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप मैच करते चलिएगा, और ये नहीं कि आप इस जोन से नहीं है तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कट ऑफ यही होने वाला है, 1 से 2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, इन्होंने अजमेर के लिए बताया था, एवरीडे न्यू चैनल के लिए ही मैं बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए 56 से 58, ओबीसी के लिए 53 से 55, एसटी के लिए 47 से 49, एसटी के लिए 45 से 47 और ईडब्ल्यूएस के लिए 48 से 51। आगे अभी मैं आपको बताया था मैंने अजमेर, अब आगे बात करते हैं कोलकाता की। देखिए कोलकाता में लगभग 2 नंबर यहाँ पे अनरिजर्व के लिए कम किया है इन्होंने, तो इसके सर्वे के हिसाब से अनरिजर्व के लिए 55 से 57 जो कि जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 52 से 54, एससी के लिए 45 से 49, एसटी के लिए 44 से 46, ईडब्ल्यूएस के 50 से 52। अब आगे मैं बात नहीं करूंगा, भोपाल के लिए आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, 56 से 58, 53 से 55, एससी एसटी का नीचे दिखाया गया है। ओके, आगे जो है मालदा जोन के लिए इन्होंने बताया है 54 से 56, 50 से 53, 47 से 49, 44 और 48 से 50, यहाँ पे आप अपना मैच कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ये लिया है, देखिए मुंबई जोन के लिए 55+ बताया है इन्होंने, ओबीसी के लिए 51 से 53, 48 और 44 और 50, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए इन्होंने बताया है 55 से 57, ओबीसी के लिए 52 से 54, 46, 40 और 49 से 51। आगे बात करते हैं पटना जोन के लिए, तो पटना जोन के लिए अनरिजर्व के लिए 55 से 57, ओबीसी के लिए 51 से 53, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 43 और ईडब्ल्यूएस के लिए 48। अब अगर हम बात करते हैं किसी और चैनल की, अब ये अगला जो चैनल है ये उमंग स्टडी, जैसा कि आपको पता है कि उमंग स्टडी के एक टीचर हैं जो कि लाइव एनालिसिस करते हैं जो कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर, तो ये उन्होंने अपना कुछ डेटा निकाला है। यहाँ पे भी जो स्टूडेंटों की संख्या 50,000+ स्टूडेंट का यहाँ पे सर्वे हुआ है, तो देखिए यहाँ पे टोटल वोट्स कहाँ पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 57,000 लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे हुआ है उसका ये सर्वे है। तो 40 से 45 नंबर वाले रॉ मार्क्स वाले 31% स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है, 50 से 60 नंबर वाले 41% है, 60 से 70 नंबर वाले स्टूडेंट 21% यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 21% यहाँ पे 60 से 70 वाले हैं, 21.52 लिखा हुआ है, और अदर कैटेगरी के लिए 5 से 41 जो कि अदर नंबर है जो कि 70+ होगा, तो बहुत कम लोग होंगे। तो यहाँ पे भी जो ऑन एन एवरेज दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा जो 50 से 60 नंबर वाले रॉ मार्क्स आने वाले स्टूडेंट हैं 41% यहाँ पे दिखाया गया है। तो इससे भी आप अपने कैटेगरी वाइज का जो अपना जो रॉ मार्क्स है उससे आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वे टू सक्सेस का, ये भी एक लगभग इनके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे वे टू सक्सेस ये भी बहुत स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं और अच्छे से जानकारी वैकेंसीज के बारे में बताते रहते हैं, अच्छा चैनल भी है इनका। तो इन्होंने बताया है वे टू सक्सेस लगभग 30,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट ने पोलिंग करा है इनका जो वोट जो चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे भी। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ 54 से 58 नंबर रॉ मार्क्स आने वाले 50% स्टूडेंट ने यहाँ पे पोलिंग करा है, 50 से 54 नंबर जिनका आ रहा है रॉ मार्क्स 30% स्टूडेंट है, 58 से जो 64 नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स 15% का, और 64 से 68 5% स्टूडेंट का इतना मार्क्स आ रहा है। तो कुल मिला के आप अपना भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट का, 50% स्टूडेंट का 54 से 58 मार्क्स ही
आ रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। और 50 से 54 मार्क्स 30% स्टूडेंट का आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ये है नवीन कुमार संघ, इन्होंने अपनी मुँह ज़बानी ही बताया था, कोई अलग से यहाँ पे लिखित नहीं बताया था अपने चैनल पे। तो नवीन कुमार सर है, ये पटना प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना जो कट ऑफ बताया है डायरेक्टली अनरिजर्व के लिए, जो कि ऑल कैटेगरी का ऑन एन एवरेज होगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55+ यहाँ पर इन्होंने सेफ जोन बताया है नवीन कुमार सर से। नवीन कुमार सर ने ये आपको ध्यान देना, जो कि पटना प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े हुए हैं। तो 55+ इन्होंने सेफ स्कोर बताया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55+ हो गया तो ओबीसी और नीचे जो कैटेगरियाँ हैं उनका तो कम ही होगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें किसी और चैनल की, तो अगला जो चैनल है एसके झा, देखिए एसके झा चैनल भी बहुत अच्छा है, ये भी एनटीपीसी में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा खासा तैयारी इन्होंने करवाया था। एसके झा यहाँ पे चैनल का नाम है। तो देखिए 58,000 यहाँ पे पोलिंग हुआ है और 50 से 60 रॉ मार्क्स आने वाले 65% स्टूडेंट है, 60 से 65 नंबर आने वाला 14% स्टूडेंट है, 65 से 70 9% और 70 से 75 6% है, 75+ स्टूडेंट जो कि 6% जिनका रॉ मार्क्स आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी 50 से 60 नंबर लाने वाले जो रॉ मार्क्स स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा हैं 65%, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, इन्हीं का जो कट ऑफ इन्होंने डायरेक्टली बताया है कि कट ऑफ किया जा सकता है ऑन एन एवरेज सभी कैटेगरीज का, तो यहाँ पे 55 और 65 के बीच में इन्होंने बताया है एसके झा सर ने कि ये जो कट ऑफ है सेफ जो कट ऑफ है, ये आपको ध्यान देना है कि 55 से आप 65 नंबर ला सकते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप क्वालिफाइड कर सकते हैं एचटीबीटी फर्स्ट आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसके झा सर ने ये बताया है। इसके अलावा भी मैंने, देखिए ये एक प्रियल मैम है जो कि इनका चैनल है प्रदीत, जो कि यूट्यूब चैनल पे है, आपको ध्यान देना है। ये भी एक रीजनिंग की बहुत अच्छी टीचर है और एनटीपीसी स्टूडेंट के लिए इन्होंने बहुत अच्छी रीजनिंग भी पढ़ाई थी। तो इन्होंने बताया था अपना जो कि रॉम, और इन्होंने डायरेक्टली नॉर्मलाइज के बाद नंबर बताया है अपना, डायरेक्टली इन्होंने बताया है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70 मार्क्स आप नॉर्मलाइज के बाद, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मलाइज के बाद बात हो रही है, आपको ध्यान देना है। यानी कि इन्होंने रिजल्ट के बाद की बात करा है कि अगर आप रिजल्ट जैसे ही आता है रॉ मार्क्स के बाद कुछ आपके नंबर उसमें जुड़ेंगे नॉर्मलाइज के, तो जो नंबर आएंगे उस नंबर की यहाँ पे बात इन्होंने करा है प्रियल मैम ने, कि नॉर्मलाइज के बाद आपका अगर 65 से 70 के बीच में नंबर आता है, रिजल्ट आता है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का, तो आप सीबीटी टू के लिए क्वालिफाइड है। यानी कि इतना कट ऑफ जाएगा, इन्होंने ये बताया है कि नॉर्मलाइज के बाद डायरेक्टली आपका एनटीपीसी का जो रिजल्ट है 65 से 70 के बीच में आएगा तो आप सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ये आपको इन्होंने बताया है प्रियल मैम ने। इसके अलावा भी लगभग मैंने 25 से 30 यूट्यूब चैनल, जो कि छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पोलिंग 10,000 20,000 30,000 स्टूडेंट ने करा है, उस पर भी ऑन एन एवरेज कुछ ऐसा ही बताया गया है कि 55+ वाले अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए आप 54+ ले सकते हैं, वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें एक दो नंबर कम ले सकते हैं, एससी एसटी के लिए उससे भी एक दो नंबर कम ले सकते हैं। ऐसा करके सभी 25 से 30 यूट्यूब चैनल्स मैंने रिव्यू करा है इसके अलावा भी, जिसपे कि यही सभी बातें दिखाई गई हैं। तो इन सभी वीडियो को यानी कट ऑफ को देखते हुए 10 से 12, यानी कि मैं बात करूं तो सबसे बड़े बड़े तो 10 से 12 हो गए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का जो कट ऑफ है उन सब का जो निचोड़ है ऑन एन एवरेज मैंने निकाला है वो क्या जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना भी एक कट ऑफ निकाला है जो इन सभी क्वेश्चंस का, ज़्यादा आपको मालूम है कि मेरे चैनल से बहुत कम ही अभी लोग जुड़े हुए हैं, कम अभी छोटा चैनल है, तो मैंने इन सब का निचोड़ निकाला है, ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने आपको डेंजर जोन भी बताया कि आप ध्यान दे लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा डेंजर जोन और नॉर्मल जोन का कौन कौन सा कट ऑफ है। तो डेंजर जोन ये सभी जो जोन है डेंजर जोन में है। आगे हम बात करें सेफ जोन की, तो ये सभी जो जोन है एक नॉर्मल जोन है जहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर कम जाता है कट ऑफ। अब हम बात करते हैं अपना कट ऑफ, इन सभी जो कट ऑफ का जो निचोड़ है सबसे जो कि एक रेट कट ऑफ है सेफ स्कोर है आपका डेंजर जोन के लिए। मैंने आपको बताया कि डेंजर जोन आपको ध्यान देना है कौन कौन से कैटेगरी है, यह भी आपको ध्यान देना है। और ईडब्ल्यूएस से जो नीचे की कैटेगरियाँ हैं इससे भी कम एक दो नंबर कट ऑफ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। मैंने 3 कैटेगरियाँ ही लिया है। तो अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 56+ अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सेफ आपको सेफ हैं, और आप सीबीटी टू के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, ओबीसी का अगर कैटेगरी के लिए 50+ रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से आप अपना एनटीपीसी सीबीटी टू के लिए
तैयारी शुरू कर दें, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें EWS के लिए तो 48 प्लस आ रहा है, तो वो भी अपना तैयारी NTPC CBT2 के लिए अपना शुरू कर दें। यहाँ पे मैं बात करूँ आपका जो रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में किसी के 8, 10, 12, 2, 3 किसी के एक नंबर माइनस भी हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो एक्यूरेट जो कट ऑफ आएगा वो तो RRB का जो ऑफिशियल आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वही पता चलेगा। लेकिन ये जो 99% आपको यही मैं बता दूँ कि इतना अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है अनरिजर्व के लिए 56, OBC के लिए 54 और EWS के लिए 48, तो आप अभी से अपना तैयारी शुरू कर लें। वही अगर हम बात करें सेफ इसको जो नॉर्मल जोन है, जैसा कि मैंने नॉर्मल जोन आपको सेफ जोन बताया था जो कि हाईएस्ट जोन से थोड़े कम में आते हैं, तो अनरिजर्व के लिए 55 प्लस है सेफ स्कोर है, OBC के लिए 54 सेफ स्कोर है और EWS के लिए 45 सेफ स्कोर है। और इससे जो नीचे कैटेगरी आती है उसमें आप दो दो नंबर माइनस करते चलिए, ये आपको ध्यान देना है। मेन जो अनरिजर्व और OBC सबसे ज़्यादा स्टूडेंट OBC में है, ये आपको ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का 50 से 60 रॉ मार्क्स आ रहे हैं, लगभग 65% स्टूडेंट का 50 से 60 रॉ मार्क्स आ रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का आपका कट ऑफ बनने वाला है, यानी कि ये जो रॉ मार्क्स है इसमें नॉर्मलाइज के बाद आपका कट ऑफ बनने वाला है। तो इतना अगर आपका रॉ मार्क्स आता है तो आप सेफ जोन में है और अभी से आप NTPC CBT2 की तैयारी शुरू कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा छोटा चैनल है, अभी आगे भी और बहुत सारी जानकारियाँ। आज जैसा कि आपको पता है मैं इस चैनल पर GK GS जनरल अवेयरनेस और ऑफिशियल नोटिस भी अपलोड करता रहता हूँ, आप मेरे चैनल पर ज़रूर से विजिट करिए, क्योंकि उससे बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है GK के वो मैं सब कुछ अपलोड यहाँ पे करता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके।